नमस्कार प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीधी बस हादसे के चार दिन बाद सरकार जागी। गुरुवार को प्रदेश भर में यात्री बसों की औचक जांच की गई। 600 से ज्यादा बसों की जांच हुई। भोपाल मुरैना आदि जिलों के ग्रामीण हिस्सों में चलने वाली ज्यादातर बसें कंडम हालत में मिली। किसी में इमरजेंसी गेट नहीं था तो किसी की फिटनेस खराब थी, टायर घिस चुके थे और खिड़कियों में कांच नहीं थे। ऐसी करीब 50 बसें जब्त कर ली गई हैं। 20 से ज्यादा के परमिट निरस्त किए। हादसे के पहले दिन शादा पटना गांव नहीं गए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी भोपाल में सड़कों पर उतरे। रेत के अवैध उत्खनन में इस बार नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश पर गंभीर आरोप लगे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर कमिश्नर बी चंद्रशेखर को पत्र लिखकर कहा है कि अवैध खनन की जानकारी देने के बाद भी नरसिंहपुर कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नर्मदा नदी में लगातार अवैध खनन जारी है। साफ है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत में बिना यह संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इंदौर में हुई। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3,350 करोड़ रुपए की जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई गई। इन जमीनों पर दो दशक से भूमाफिया काबिज थे। गृह निर्माण सोसाइटियां बनाकर प्लॉट काटे और एक ही प्लॉट कई लोगों को बेच दिए थे। इसकी शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची थी। इन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन 1500 लोगों को मिलेगी। नमामि देवी नर्मदे योजना के लिए लगभग 3 साल पहले 85 लाख रुपए में खरीदे गए आम के 1,69,360 पौधे गायब हैं। उद्यानिकी विभाग ने विधानसभा में विधायक के सवाल पूछने पर ताबड़तोड़ जांच रिपोर्ट निकाल कर नर्सरी प्रभारी और माली निलंबित कर दिया है। विभाग में इसकी जांच रिपोर्ट 6 महीने से दबी पड़ी थी। पौधे खरीदने और रखवाने के लिए जिम्मेदार 3 अफसरों को बचा लिया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए बिजली घरों में शिकायत रजिस्टर रखे जाएं। इसमें शिकायत दर्ज कर उपभोक्ताओं को प्राप्ति भी दी जाएगी। इस काम की शुरुआत ग्वालियर से होगी। तोमर गुरुवार को मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में विद्युत समस्या निवारण शिविर की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीटर रीडर 3 माह से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रह सकेंगे। इससे रीडिंग में होने वाली गड़बड़ी पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। राजधानी के ईदगाह हिल्स स्थित टीबी अस्पताल परिसर में प्रदेश का पहला रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज विकसित होगा। यहां पर फेफड़े संबंधित बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा होगी। यहां पर फेफड़ों के कैंसर, श्वास संबंधित बीमारियों, खर्राटे आने की जांच और इलाज की सुविधा होगी। यह प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट होगा जहाँ श्वास से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज और जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी यहां पर सिर्फ टीबी का इलाज होता है। नए इंस्टीट्यूट के बनने के बाद प्रदेश की जनता को श्वास से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महाकालेश्वर मंदिर में 11 मार्च को होने वाली महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भस्म आरती में भी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह निर्णय गुरुवार को मंदिर प्रबंध समिति और प्रशासन के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में महाशिवरात्रि को लेकर सुझावों पर चर्चा हुई। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि अभी भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, इसलिए महाशिवरात्रि को दिन में होने वाली भस्म आरती में भी यह रोक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुराने भोपाल में बैरसिया रोड पर कबाड़ खाने समेत 6 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। इसकी जद में सैकड़ों परिवारों की निजी मालिकाना की संपत्तियों समेत राजदेव कॉलोनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशव निडम भवन और उसके सामने विवादित लगभग 30,000 वर्ग फीट भूमि समेत आसपास के रिहायशी इलाके प्रभावित हुए हैं। इससे मामले से जुड़े केस में मध्य प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी गई। अप्रैल के आखिरी या मई के पहले पखवाड़े में प्रस्तावित निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने भोपाल से लेकर बूथ तक का रोडमैप तैयार कर लिया है। 3 चरणों में प्रत्याशियों का चयन होगा। जिले की चुनाव समिति नगर परिषद की टिकट तय करेगी। संभाग स्तर पर नगर पालिका और पार्षद के नामों को मंजूरी मिलेगी और महापौर का उम्मीदवार राज्य स्तर की चुनाव समिति तय करेगी। निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में इस पर तकरीबन सहमति बन गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएसटीवी के साथ। नमस्कार। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएसटीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप।